वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस आज हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिटेल में देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, विद टेबल एंड डायग्राम के थ्रू इसको हम समझेंगे। सो गाइस बात करें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, ये जो कंसेप्ट है ये हमें दिया है प्रोफेसर जेएम केन्स ने। इन्होंने हमें बताया कि अगर हम इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट करते हैं तो मल्टीपल टाइम्स इकोनॉमी के अंदर इनकम में इंक्रीमेंट आता है। ठीक है, तो क्या होता है मल्टीप्लायर, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कि बेसिकली के क्या है, रेशियो है कि नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो कैसे निकालेंगे हम के को, चेंज इन इनकम अकाउंट में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना इंक्रीमेंट आया नेशनल इनकम में, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कि हमें यही बताता है कि अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट करा जाए तो मल्टीपल टाइम्स इकोनॉमी के अंदर इनकम में इंक्रीमेंट होता है। बेस्ड ऑन ये जो कंसेप्ट है, किस पर बेस्ड, क्यों ऐसा होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट 100 से बढ़ रही है तो इनकम 1000 से इंक्रीज हो रही है इकोनॉमी के अंदर, मतलब 10 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, एक का खर्चा दूसरे की इनकम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे को भूख लगी है और मेरे को एक बिस्किट खाना है तो मैं शॉपकीपर के पास जाऊंगी, 10 रुपए दूंगी और बिस्किट ले लूंगी, तो यहाँ पे मेरा 10 रुपए का एक्सपेंडिचर है, बट उस शॉपकीपर की क्या है, 10 रुपए की इनकम है। तो एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है। इसी वजह से जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट करा जाता है तो मल्टीपल टाइम्स इकोनॉमी के अंदर इनकम इंक्रीज होती है। क्लियर हुआ? तो हम के को और किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, 1/(1-MPC) और 1-MPC को हम 1/MPS भी लिख सकते हैं, क्योंकि MPC प्लस MPS इक्वल होता है किसके, 1 के। तो अगर मैं 1 में से माइनस कर दूंगी MPC को तो क्या बचेगा, MPS ही तो बचेगा, तो मैं लिख सकती हूँ 1/(1-MPC) क्या होगा, 1/MPS। क्लियर? अब क्या रिलेशन होता है के का MPC और MPS के साथ, इसको डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि के की वैल्यू हमें पता चल ही रहा है फॉर्मूले में कि डिपेंड तो करेगी कहीं ना कहीं MPC और MPS पर, तो क्या रिलेशन है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS, देन के हम निकाल सकते हैं, या तो हम 1/(1-MPC) से निकाल लें या 1/MPS से निकाल लें, बात देखिए 1/MPS के। ठीक है, अगर मान लो MPC की वैल्यू है 0, देन 0.75, देन 1, MPS कैसे निकालेंगे, 1-MPC क्या होगा, 1-0 1, 1-0.75 0.25, 1-1 0, K की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/MPS ले रही हूं मैं, तो 1/1 1, 1/0.25 4, 1/0 इनफाइनाइट। क्लियर? तो मैक्सिमम वैल्यू जो है K की वो इनफाइनाइट हो सकती है, कब हो सकती है, जब जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी क्या कर ली जाए, कंज्यूम कर ली जाए, मतलब सेविंग हो जाए 0, देन के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है के की। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, जब सारे जो चेंज इन इनकम है वो क्या कर ली जाए, सेव कर ली जाए और चेंज इन कंजप्शन हो जाए 0, देन के की वैल्यू मिनिमम वैल्यू आएगी जो भी होती है 1। तो के की वैल्यू मिनिमम 1 होती है, मैक्सिमम इनफाइनाइट होती है। मिनिमम 1 कब होगी, जब चेंज इन कंजम्पशन 0 होगा, मतलब कि MPC 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट कब होगी, जब MPS 0 होगा। क्लियर हुआ? अब K की वैल्यू डिपेंड करती है MPC और MPS पर, MPC और K का रिलेशन हम समझ लेते हैं। ठीक है, जब MPC की वैल्यू 0 है तो K की वैल्यू 1 है, MPC की वैल्यू 0.75 है, K की वैल्यू 4 है, MPC की वैल्यू 1 है तो K की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे MPC की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे K की वैल्यू भी बढ़ रही है, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द MPC एंड K, कि जैसे जैसे MPC बढ़ता है वैसे वैसे K भी बढ़ता है, और MPC कम होगा तो K भी कम होगा, तो डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन MPC एंड K। क्लियर? अब MPS और K के बारे में समझो, MPS की वैल्यू 1 है, 0.25 है और 0 है, जैसे जैसे MPS की वैल्यू कम होती जा रही है, देखो K की वैल्यू 1/4 इनफाइनाइट बढ़ती जा रही है, तो MPS और K के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जैसे जैसे MPS की वैल्यू बढ़ेगी K की वैल्यू कम होगी, MPS की वैल्यू कम होगी तो K की वैल्यू बढ़ेगी, तो K का MPC के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है बट MPS के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर हो गया ये तो? अब ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क्स इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में वर्क करेगा, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड।
इसको वाइस वर्सा कर लेना, जो कि हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन होता है। क्लियर हो गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो ऑब्वियसली बात है इनकम और कंजम्पशन भी कम होगा। क्लियर? टेबल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इकोनॉमी के अंदर वर्क करता है। यहाँ मेरे जो राउंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन सेविंग, एमपीसी है 0.90, देन एमपीएस है 0.10। क्लियर? राउंड लिए मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सारे राउंड लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, 3-4 राउंड लिखना, देन उसको टोटल कर देना। ठीक है? अगर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट 100 से बड़ी है, ठीक है, मान लो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करी, एक फ्लाईओवर बनवाया, ठीक है, अब वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो लोगों की इनकम भी कहीं ना कहीं जनरेट होगी, कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है बट लोगों की इनकम हुई। क्लियर? तो जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ही इनकम जनरेट होगी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 100 थी तो इनिशियल इनकम भी क्या होगी, 100 होगी। बट कंज्यूमर क्या करता है अपनी इनकम का, कुछ पार्ट सेव करता है, कुछ पार्ट कंज्यूम करता है। तो एमपीसी मतलब उसकी जो टेंडेंसी है कि इनकम जब चेंज होती है तो उसका 0.90 कंज्यूम करता है, तो इसका 0.90 मतलब कि 90%, तो 90% क्या होगा 100 का 90, देन एमपीएस कैसे निकाला मैंने, 1 माइनस एमपीसी का तो 0.10 मतलब कि 10%, तो 100 का 10% क्या होता है 10। अब जब 100 इनकम थी, 90 अगर उसका कंजम्पशन कर लिया तो वो 90 किसी और की इनकम बनेगी, बनेगी क्योंकि 1% एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, तो 90 अगेन किसी की इनकम बनेगी, अगेन उसका 90% क्या होगा कंज्यूम होगा, 10% सेव होगा, अगेन जो 81 इनकम कंज्यूम करी गई थी वो अगेन इनकम बनेगी, देन उसका 90% क्या होगा 72.90 कंज्यूम होगा, 8.10 सेव होगा, देन 72.90 फिर किसी की इनकम बनेगी क्योंकि 1% एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। ये प्रोसेस चलता रहेगा, कब तक चलेगा, के की वैल्यू निकाल लेते हैं कि कैसे हम इसको टोटल करेंगे, समझते हैं। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/MPS, MPS क्या है मेरा 0.10, यहां से मैं डॉट हटाऊंगी तो यहां पे 2 0 आ जाएंगे ऊपर, 10 से 10 कट गया, मतलब कि 10 times इन्वेस्टमेंट 100 है, 100 का 10 times क्या होता है 1000, 1000 का 90% मतलब 0.90 900 और 10% 0.10 100, इस तरीके से टोटल कर देंगे हम इसका। ठीक है? डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि एक्सिस प्लेन में इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड वाई एक्सिस प्लेन में एग्रीगेट डिमांड जो कि सीक्वेंस आई होते हैं क्योंकि टू सेक्टर मॉडल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग बनता है जो कि 45 डिग्री के एंगल पे बनता है, देन एग्रीगेट डिमांड भी हमारा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है जो कि सीक्वेंस आई है। जहां पर एडी इक्वल हो गया एएससी वो हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, वो हमारी इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट डिटरमाइन हो जाता है इकोनॉमी का। क्लियर? अब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है बट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो कहीं ना कहीं एडी बढ़ेगा क्योंकि एडी क्या होता है सी प्लस आई, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़कर कर्व जो है अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और एडी वन आ जाएगा हमारा सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई। तो एडी और एडी वन में जो डिफरेंस आया है, जो पैरेलल डिस्टेंस आया है वो क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है? और इसकी वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ई से एफ पर आ जाएगा और हमारी इनकम आ जाएगी इक्विलिब्रियम लेवल की बाय वन। तो y से बाय वन ये आ गया हमारा चेंज इन इनकम जो कि इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में चेंज आ रहा है इकोनॉमी के अंदर। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को शो करेंगे डायग्रामेटिकली। क्लियर हुआ है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, कि इन्वेस्टमेंट में जब इंक्रीमेंट आता है तो मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज होती है इकोनॉमी के अंदर क्योंकि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है। कि डबल एज वेपन है क्योंकि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है। कि यहाँ पे हमने देखा इस टेबल में कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो मल्टीपल टाइम्स इनकम भी बढ़ रही है, बट अगर वही मार्केट से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाए तो इनकम भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।